नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा किसने की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, और किसने बिना वन विभाग की अनुमति के काटे हरे भरे पेड़, जाने पूरी खबर। मथुरा गांव छटीकरा के अंबेडकर पार्क में हरे पेड़ काटे जाने एवं अंबेडकर मूर्ति के क्षतिग्रस्त होने पर समाज के लोगों ने किया विरोध, नई मूर्ति लगवाने की मांग की। यह मामला थाना जेत के गांव छटीकरा का है, जहां पर अंबेडकर पार्क में 2 माह पूर्व असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसे पुलिस थाने ले गई तो प्रधान ने कुछ ही दिन में नई मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन दिया था। 2 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक अंबेडकर प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। इससे गुस्साए समाज के लोगों ने विरोध किया और बातचीत में ग्रामीणों ने जानकारी देते बताया कि असामाजिक शरारती तत्वों के द्वारा पहले बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, तो वहीं किसी ने अब पार्क में खड़े हरे पेड़ों को काट दिया। पुलिस से शिकायत की गई तो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यहां तक कि अंबेडकर मूर्ति को तोड़े 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक पार्क में मूर्ति स्थापित भी नहीं की गई है, तो नया ताज़ा मामला हरे पेड़ों को लेकर गर्मा गया। हुई बातचीत में ग्राम प्रधान ने भी बताया कि यह हमारे संज्ञान में नहीं किसने हरे पेड़ काटे, तो वही मूर्ति क्षतिग्रस्त को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अपना पल्ला झाड़ने हुए नजर आए। क्या कुछ कहा प्रधान जी ने, आप खुद ही सुनिए। मथुरा से संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, ग्राम प्रधान छटीकरा हूँ वर्तमान में। अच्छा, ये जो पेड़ कटे हैं किस प्रकार से कटे हैं यहाँ पर, जो हरे पेड़ काटे गए? पेड़ों की जानकारी मेरे को है नहीं है, नहीं मुझे मेरे को संज्ञान में है किस तरह का ये पेड़ काटे हुए हैं। अच्छा, किसके द्वारा कटे हैं? अब ये तो मेरे को ये भी नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ किसने कटवाए हैं, ये तो समाज के लोग ही बताएंगे किसने कटवाए। जब से तुम एक बार बगीचे पे आए? बगीचे पे आए थे, लेकिन जब ये फाउंडेशन का काम चल रहा था, अम्बेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई थी, उसके संबंध में ये सभी समाज के लोगों ने यहाँ पर सब एकत्र होके इस तरह की बात कही थी, भाई इसका थोड़ा सा अच्छा ढंग से बनाया जाए, तो उसी पर्पज से मैंने अपना काम करा है। कितने पेड़ कट गए होंगे यहाँ पर बगीचे में से? यहाँ तो एक पेड़ कटा हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये बता रहे 2 लोग 2 कटे हैं, एक दूसरे का, एक सररुआ का। सररुआ तो दिख नहीं रहा है, कहाँ है? अच्छा हाँ, 2 पेड़ कटे हुए, एक सररुआ है और एक उसका है, नीम का पेड़ कटा हुआ। ये जो मूर्ति को तोड़ दिया गया था, ये मूर्ति क्यों नहीं लगी अभी तक? मूर्ति अभी के लिए वो उसके लिए ऑर्डर कर दिया है, मूर्ति बनकर तैयार हो गई है, 1-2 दिन में मूर्ति लग के तैयार हो जाएगी। ये पुरानी मूर्ति कहाँ पर रखी है? वो थाने में है, जैन थाने में रखा हुआ है। तो ये किसकी परमिशन में काटे गए ये पेड़ यहाँ पर? अभी इसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। तुम प्रधान जी थाने में मूर्ति रखवा दी तुमने? नहीं, हमने क्या रखवाई थी, वो प्रशासन आया था, प्रशासन को अवगत कराया था हम लोगों ने कि इस तरह से कुछ असामान्य तत्वों ने यहाँ पे मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रशासन आया, उन्होंने मतलब मूर्ति को ले गए, फिर समाज के लोग इकट्ठे हुए, बोला कि ऐसा है कि ये मूर्ति छोटी है, इससे अच्छी मूर्ति लगाई जाए सही तरीका से, उसी संबंध में मतलब ये काम। अम्बेडकर नगर पार्क है और इसी में पेड़ काटे गए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, पार्क में से काटे गए पेड़? पार्क में से काटे है ना, जब से ये जो पेड़ काटे गए हैं, ये क्या है कि हम सब लोगों ने क्या है कि जो फाउंडेशन जो बन के तैयार हुआ है उसके सामने आ रहे थे, तो इसी पर्पज से उन्होंने बात की होगी किसी से, मेरे को जानकारी है नहीं है, बोलो कि इस तरह से सामने आ रहे थे कि इसलिए कटवा रहे हैं। नहीं, सरकार इस चीज़ पर जोर दे रही है कि पेड़ लगाओ, देश बचाओ, फिर आपने ऐसे क्यों? नहीं 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 नहीं, इसके बारे में मेरे को कोई संज्ञान में नहीं है, ना मेरे को जानकारी में नहीं है कि एनओसी समथिंग। ये बाबा साहब की मूर्ति कितने दिन में लोकार्पण हो जाएगा? इसका 3-4 दिन के अंदर में लोकार्पण हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? पूनम नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? छटीकरा के। ये अंबेडकर की मूर्ति को यहाँ पर रजिस्टर कर दिया, कब किया था? 30 अक्टूबर को ये मूर्ति तोड़ दी गई थी, लेकिन फिर हमने आके देखा और इनसे प्रधान जी से बोला भी था मूर्ति के लिए, लेकिन उन्होंने तभी से ये बोल रहे हैं कि आज रखवा देंगे, कल रखवा देंगे, और फिर मैंने एक्शन भी लिया था, तो ये कहते हैं कि लड़की ज्यादा बोलती है, मतलब हर एक जगह पे लड़की ज्यादा बोलती है, ये इन्होंने भी कहा था, और एक और है रमन दरोगा जी, उन्होंने मेरे घर पे शिकायत करी थी कि लड़की ज्यादा बोलती है, इसको संभालो पहले। दरोगा जी क्या बोल रहे थे? ये कह रहे थे कि मतलब यही ज्यादा बड़ी पंचन हो गई है, मूर्ति मतलब रखी जाएगी तो सबके सहयोग से रखी जाएगी, अगर वो ज्यादा है तो ऐसा करो उसी को पैसे दे दो, वही रखवा देगी। तो पहले तो मेरा ये कहना ये है कि जब मूर्ति गई थी यहाँ से उठ के, तो इनको थाने से पैसे नहीं लेने चाहिए थे, जब इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है तो मूर्ति रखवाओ। 2 महीने हो गए आज, 2 महीने अभी तक मूर्ति नहीं आई है। पैसे किसने लिए थे? रमन दरोगा जी ने लिए थे। 40,000 रुपए लिए थे थाने से। कौन से लिए थे?
थाने से लिए थे और बोल के ये बोल दिया कि मतलब मैंने फोन भी कराया था तो ये कह रहे हैं कि आज रख जाएगी कल रख जाएगी इतने दिनों से, फिर अभी तक कोई मूर्ति नहीं रखी गई है और बार बार यही कहते हैं कि अरे तुम ज्यादा वो करोगे तो तुम सहयोग करो, जब हम ही सहयोग करेंगे तो तुम प्रधान काय के लिए बने हो, जनता ने भाई हमने तो तुमको चुनी दिया अब हम ही सहयोग करते रहेंगे, फिर तुम्हारा ये बताओ ये पुरानी मूर्ति कहाँ रखी है? पुरानी मूर्ति को थाने ले गए, थाने में रखी हुई है बिना किसी से पूछे और चुपचाप उठा ले गए मूर्ति को, अभी तक मूर्ति नहीं रखी गई है। अच्छा, पुलिस उठा के लगी थी? हाँ, पुलिस वाले आए थे, अपने आप उठा के लगे। हाँ, उसमें थे एक तो आशीष दरोगा जी थे और कांस्टेबल भी थे गई। अच्छा, वो थाने में रखी है? हाँ, थाने में रखी है। क्या बंद कर दिया है किसी कमरे में? नहीं, कमरे में नहीं है, बाहर ही रखी रही है, बाहर ही रखी हुई है कपड़े में लपेट के, उसे बाहर ही रखी। पेड़ काटने का क्या मामला है? आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर मोहन श्याम। मोहन श्याम, क्या घटना है, क्या घटना हुई है बताएंगे जरा? घटना ये है सर कि हमारे यहाँ पे एक ये पेड़ पौधे हैं जो बगीचे में लगे हुए हैं, इसमें बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी को पूछे, बिना किसी को अवगत किए हुए यहाँ पे पेड़ पौधे काट दिए गए सर। आपको सूचना कब लगी? हमें सूचना सर ऐसे हो गया, हमको परसों कल के समथिंग है ये, कल परसों में हमको पता चला, आज हमने आपको बुला लिया। तो आपको इस बारे में कोई अवगत नहीं कराया? कोई अवगत नहीं किया है सर। ना वन विभाग को अवगत कराया? नहीं, कोई वन विभाग को नहीं अवगत किया। हरे पेड़ थे? कैसे पेड़ थे? हरे पेड़ थे सर। ये आपको देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आपके पीछे है,